नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के सिलसिले में हमारे आवास पर पधारे और वहां पर एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान अवधी लोक भाषा के विकास की दिशा और दशा पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। प्रस्तुत है उस वार्ता के कुछ संक्षिप्त अंश। नमस्कार भारतेंद्र जी। इस समय अवधी गद्य के विकास की दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी नजर में जो प्रयास हो रहे हैं वो काफी हैं या इसके सुधार की कुछ और संभावनाएं दिखती हैं आपको कि इस क्षेत्र में और कुछ क्या किया जा सकता है? बहुत धन्यवाद रश्मि जी। देखिए, बात यह है कि आप तो अवधी में गद्य बहुत लिखा है आपने, कहानियां अनेक पुस्तकें आई हैं। अवधि में लगातार लोगों ने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। सैकड़ों कहानियां हैं, दर्जनों उपन्यास आ चुके हैं, शताधिक नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा टीका का साहित्य रहा है, तो वो तो परंपरा है। नए समय में जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या जो व्हाट्सएप पर लोग लिख रहे हैं, वो उससे बड़ी आशा बंधती है मुझे, क्योंकि 10 वर्ष हो गए मुझे चिरैया ब्लॉग जैसे हम चलाते रहे, या अमरेंद्र त्रिपाठी का एक ब्लॉग आपने देखा होगा अवधि का नाम, कुछ और मित्र हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अवधि में सोशल मीडिया ने एक तरह से वरदान का काम किया है, और इसके अलावा और भी पत्र पत्रिकाओं में लिखा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य इसका संकटमय है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपने गांव की, देश की, समाज की, लोक जीवन की चेतना से जुड़ी हुई बातें करते हैं, किसानी की बात होती है, गांव की बेटियों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, उनके दुख दर्द की बात होती है, तो इस तरह का तमाम जो सामाजिक चिंतन जो पहले प्रकट नहीं हो पाता था वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट हो रहा। और अब आपने देखा होगा कि अखबार सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, ट्विटर भी, उनसे लेकर के लोग समाचार बना रहे हैं आजकल अखबार। तो दुनिया बदल रही है, अवधि का विकास और खासतौर से गद्य में प्रयोग लोग कर रहे हैं, मुझे बड़ी आशा है, बहुत अच्छा लगता है। आपने खुद भी अवधि गद्य में कई नए प्रयोग किए हैं। एक तो आपका वो शांति मोर्चा में निरंतर एक कॉलम चल रहा है अवधि डायरी लेखन का, तो जो है आप इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ये एक नया काम चल रहा है? असल में प्रेरणा क्या, आप 4-5 साल पहले लगभग जनसंदेश में जो निकलता था, एक स्तंभ निकलना शुरू हुआ था, सुभाष राय जी ने शुरू किया था, आपको मालूम है। तो अवधि में एक लेख वो हर सप्ताह निकालते थे, फिर वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गया। और असल में अवधि में पत्रिकाएं, अखबार इस तरह का है नहीं कुछ कि जहाँ कुछ लिखा जाए। तो हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि कोई एक कॉलम हो या कुछ इस तरह का लिखा जाए, और बहुत सारे मित्र भी हैं जो लिखना चाहते हैं। तो फिर मैंने अपने एक मित्र हैं, उनसे बातचीत की कि भाई इस तरह का अगर हो सकता है, तो उन्होंने स्वीकार किया। फैजाबाद से अखबार निकलता है, बहुत बड़ा अखबार नहीं है, लेकिन स्थानीय जो जनचेतना है उससे जुड़ा हुआ अखबार, ग्रामीण सरोकारों से जुड़ा हुआ अखबार, तो वहाँ लोग पढ़ते हैं, उसका भी रीडरशिप भी है। अब तुलनात्मक ढंग से सभी जगह पठनीयता कम हुई है, लेकिन जिस समाज के लिए मैं लिखता हूँ उस समाज तक, उस गांव के किसान तक, वहाँ की महिलाओं तक कुछ चीज़ें अवधि में मैं लिख पाता हूँ और उनकी भाषा में कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक हम जनता की अपनी भाषा जो उनकी है उसमें हम कुछ लिखते पढ़ते नहीं हैं, तो नए पुराने हमारे शब्द जो खो रहे हैं, लगता है कि वो जीवंत हो गए। और प्रतिक्रियाएं भी आ रही मिलती हैं, फोन से भी मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, आप सब लोग भी प्रतिक्रिया देते ही हैं, तो व्हाट्सएप वगैरह पर भी वो सूचनाएं, और फेसबुक पर सब कुछ, ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक ठाक कुछ चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। तो शांति मोर्चा तो एक बहाना है, मैं सोच रहा हूँ और भी लोग लिखें कुछ इस तरह का, अवधि में गद्य आएगा तो भाषा में और पर विस्तार उसका भाषा का होगा। आपके दो उपन्यास, एक नई रोशनी और एक चंदावती जो है, और एक नवाचार, अवधि में नवाचार की परंपरा की मैं इसको मानती हूँ कि एक शुरुआत, और बहुत चर्चित हुआ, और चंदावती में आपने बहुत सारी लोक चीज़ों को जो लुप्त प्राय है उनको भी डाला है,
इसके अलावा आपने अवधि कथा कहानी में संपादक के रूप में काफी काम किया है और एक नई चीज आपने शुरू की थी, अभी शुरू की हुई है अपने अवधि जो चिड़ैया, उसमें जो आपका वेबिनार है उसमें आपने एक चीज शुरू की, सुधलेख परंपरा। तो आप क्या समझते हैं सुधलेख का विकास और आगे है इसकी संभावना, सुधलेख के लेखक और पाठक श्रोता जुड़ पाएंगे इस वेबिनार से और आगे साहित्य की दिशा में? नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, माध्यम ऐसा हमारे पास बहुत बुजुर्ग लोग हैं लेकिन वो बेचारे नेटवर्क से जुड़ नहीं पाते हैं या उनका नियंत्रण वैसा नहीं है या उनके घर में कोई एक्सेस नहीं दे पाता है, तो इस कारण सुधलेख लिखने वाले लोगों की कमी नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है माने आज के सोशल मीडिया के हिसाब से, तो वो बेचारे लाइव होकर के हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक ये बात। दूसरी बात ये है कि स्मृतियां जो है, सुधी जो है, सुधी का मतलब है स्मृति और स्मृतियां तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। संस्मरण साहित्य हिंदी में जो कहा जाता है उसको हमने सुधिलेख, एक शब्द सोच करके मन में विचार आया कि इसको सुधिलेख कहा जाए और आप सबको पसंद आया, बहुत सारे मित्रों से बात हुई। तो जो सुधियां हैं स्मृतियां हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली है और उनको लिखा भी जाएगा और हिंदी में तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बड़े उपन्यास आ रहे हैं स्मृतियों पर आधारित हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के हो रहा है काम, यात्रा संस्मरण आ रहे हैं, तो अवधि में इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि मूल भाषा में मूल जीवन की जो चेतना है वह किस प्रकार से आए प्रकट हो और जो हमारे लिखने पढ़ने वाले अवधि के साहित्यकार हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी उनके जो जहां वो रहते हैं उन वनस्पतियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, नदियों के बारे में, मतलब समग्र रूप में वो चीज़ें तभी आ पाएंगी जब इस प्रकार का साहित्य आएगा। तो ये कोशिश है, कुछ कड़ियां हैं जिसमें आपने भी भाग लिया, मनोरा यात्रा वाला बहुत सुंदर आपका रहा सुधलेख, गंगा प्रसाद शर्मा जी ने अपनी बात रखी, तो अनेक पंकांत शर्मा जी का था सुधलेख बंशीधर शुक्ली पर। तो हम ये कोशिश है हम सबकी कि अपनी भाषा में अवधि में इस तरह के जो प्रसंग हैं उनको आगे लाया जाए। तो कथा कहानी और चंद्रावती की जो आपने बात की, कथा कहानी में भी लगभग 1.5-2 साल लगे मुझे, लेकिन संतोष होता है कि कम से कम कुछ एक गद्य की एक रूपरेखा उससे नजर आती है, दिखाई देती है। चंद्रावती पर कुछ प्रकाश डालिए तो हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ उसको जो परंपराएं हैं उन पर कुछ शायद जागरूकता बढ़े। असल में तो चंद्रावती की जो आप बात कर रही है, असल में चंद्रावती स्त्री प्रधान और ग्रामीण जो स्त्री है उसकी जो समस्या है उस पर केंद्रित उपन्यास है। उसे पहले नई रोशनी थी, तो नई रोशनी उपन्यास जो अवधि का था उसमें खेती किसानी और उस तरह की समस्या थी, किस तरह से भाई भाई से अपना जायदाद बंटवाता है और वो लेकर के छोटे किसान किस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, छोटे जमींदार और उनके उनका शोषण किया जाता है, वो उससे संबंधित था जो पात्र है। फिर वो शहर से भी जा करके दिल्ली भी जाता है और अपने गांव से भी जुड़ा हुआ है। तो उपन्यास का एक कैनवस मुझे लग रहा है अवधि में पहली बार मैंने कोशिश की थी कि गांव से निकल करके एक सामंत का सताया हुआ एक व्यक्ति वो शहर जाता है, उसका भाई वहां पर वो सहयोग करता है और एक तरह का गाँव में बदलाव आता है, एक तरह की नई रोशनी उसके माध्यम से, उस चरित्र के माध्यम से आती है। उसके बाद जो दूसरा तो निरहू जो उसका पात्र है वो वहाँ आकर के अपने गांव में धांधी में एक परिवर्तन दिखाता है, आपने तो पढ़े हैं। दूसरा जो उपन्यास आया था 2012 में चंद्रावती, अब उसका हिंदी संस्करण भी आ गया आपको पता है, तो उसमें ये है कि स्त्री प्रधान है वो और एक विधवा जो स्त्री है वो किस तरह से संघर्ष करती है और उसके अंततः वो अपनी न खेती को बचा पाती है ना अपने अधिकार की रक्षा कर पाती है और वो उसकी हत्या करती है। तो यह जो पूरा एक प्रसंग है ये कोई काल्पनिक नहीं है, कल्पना काल से होते हुए भी हमारे ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। एक खास बात आप देखिएगा, इसमें मैंने किसी विचारधारा का, खास विचारधारा का कोई वो लेकर के इसका सृजन नहीं किया है, या जैसे लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद के बिना कोई दवा नहीं है, तो
तो मैंने ये कोशिश की है देखा जाए कि हमारे समाज का जो मार्क्सवाद है, भारतीय चेतना का जो मार्क्सवाद है, वो कभी बजरंगबली के रूप में प्रकट होता है जो नई रोशनी में, और कभी वही मार्क्सवाद, वही स्त्री विमर्श चंद्रावती में देवी गीत के साथ प्रकट होता है। तो हमारे यहाँ जब कोई चीज विदेश की आती है, वैदेशिक जो कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम उसको अपने ढंग से फोल्ड करते हैं, अपने ढंग से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज जो लाठी उठा करके नरहु ठाकुर को पिटाई करता है, तो वो मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित होके नहीं करता, वो कहता बजरंग बली की सवारी आ गई है हम पर, है ना। तो वो एक युक्ति है। दूसरे इस वाले उपन्यास में भी, चंद्रावती में भी, वही बात वो देवी गीत के माध्यम से प्रकट होता है। तो देवी गीत हमारे लोक जीवन का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम, और सर्वमंगला तो मैंने अद्भुत उनका पाठक जी का है ही। तो मुझे लगता है कि इस तरह से चीजों को देखना चाहिए, जो हमारे गांव में रची बसी लोक संस्कृति है उससे जुड़ करके हम नई प्रगति की कोई दिशा को रेखांकित कर सकते हैं। तो चंद्रावती की जो समस्या है वो इस तरह की समस्या है, और उसमें तमाम लोक परंपराएं हैं, नए तरह का जीवन है। अब और लोग लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यह थी कि हम ग्रामीण समस्याओं से जोड़ करके स्त्री को, बच्चों को, परिवार को, परिवेश को कैसे किया जा सकता है, उनको मुक्ति की ओर आगे बढ़ाया जाए, तो यह कोशिश जी। गद्य पे तो एक जो आपका इतना लेखन है, उस पर एक अलग से विस्तार से बात करने की जरूरत मुझे लगती है। वो हमारे दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन अभी आपने जैसे देवी गीत की बात की है, अभी भाखा जो वेबिनार है उस पर एक अच्छा एक परिचर्चा हुई थी कि क्या बोलते हैं कि लोकगीत से नवगीत तक जी। और आप तो अवधि में दशकों से नवगीत लिख रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि नवगीत के रूप में अवधि में इस संदर्भ में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बहुत अच्छा याद दिलाया, अभी दो एक दिन पहले ही भाखा पर मैं सुन रहा था तो कि लोकगीत से नवगीत विषय बहुत बड़ा था वो, और मुझे नहीं लगता कि वो एक वेबिनार को, 4-5 हजार वर्षों की परंपरा है पूरी अवधि लोक साहित्य की और लोकगीत की, और दीक्षित जी वगैरह ने बड़ा अच्छा बोला। और डॉक्टर, एक चीज और है कि लोग गीत और नवगीत लिख रहे हैं लेकिन उनको कुछ उसका डिफरेंसेस मालूम नहीं है। हाँ, यही वो क्या लिख रहे हैं उनको ये नहीं पता कि गीत है कि नवगीत है, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वही बड़ा विस्तार, गीत और नवगीत का फर्क जब तक नहीं समझेंगे तो जो कुछ लिखा जाए, जो कुछ गा लें, वो सब गीत है या वो सब कुछ नवगीत है। आपको अच्छा लगेगा तो हम गीत कहने लगेंगे, जब अच्छा लगेगा नवगीत कहने लगे, तो ऐसा नहीं है। लोकगीत, देखिए, जो मेरी समझ में आया, जितना मैं समझ पाता हूँ, वो ये है कि लोकगीत का मतलब है जिसका कोई रचनाकार नहीं है, जिसका सृजन लोक ने किया है, सहस्रों लोगों ने किया है। हमको कोई पंक्ति ऐसे न दिनारे न जाओ श्याम पहिया परी, अब परी भी है पढ़ा जाता है, श्याम पहिया पढ़ू भी हो गया है, न दिनारे न जाओ श्याम पहिया पढ़ू, तो हम ऐसे गाने लगे, उसकी धुन बदल दी। तो लोक में जो लोकगीत है वो फिल्मों में चला गया तो उसकी अलग वैल्यू बन गई। लोकगीत का कोई रचनाकार नहीं होता, पहली बात, वो जनता के द्वारा, समाज के द्वारा, समय के आधार पर लिखे जाते हैं। अब रही बात गीत की, तो गीत की भी एक बड़ी परंपरा है, माने जयदेव से लेकर के और विद्यापति से लेकर के तुलसी हैं, फिर उसके बाद सूर हैं, मीराबाई हैं, तो पद भी एक तरह का गीत ही है, तो वो नाम से उनके चलता है। हमारे संत कवियों ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, उनकी परंपरा है। तो गीत की परंपरा ये रही है, शायवाद तक आते आते हिंदी में रही। तो अवधि में भी पढ़ीस जी ने बड़े सुंदर मार्मिक गीत लिखे हैं, आप जानते हैं, बशीधर जी के गीत हैं, रमई काका के तो अद्भुत गीत हैं, इतनी अच्छी व्यंजना वाले विश्वनाथ पाठक जी के हैं, ये श्रीश जी अपने जो लखनऊ वाले थे उनके गीत मुझे याद आते हैं, ये मृगेश जी के गीत हैं, पारसनाथ भ्रमर, विकल गुंडी, बहुत सारे लोग हैं। तो अवधि में चतुर्भुज शर्मा जी के भी रचनाएं मिलेंगी आपको अवधि में इस तरह के गीत में। अब नवगीत की जहाँ तक हम बात करें, तो असल में नवगीत आंदोलन 1950-60 के आसपास हिंदी में आया, अवधि में बहुत बाद में हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों का मतलब बिरवा में एक पत्रिका निकालते थे सुशील सिद्धार्थ जी, तो उस पत्रिका में ही उन्होंने पहले हमारे नवगीत छापे थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आता। मेरे थे रामकृष्ण संतोष जी के थे, और देवकी नंदन शांत
तो इस तरह से दो तीन चार जो मुझे नाम याद आ रहे हैं इन सबकी रचनाएं उन्होंने उन्होंने छापी थी, यदुचंद जी की रचनाएं छापी थी उन्होंने। तो वो जो एक प्रयोग, अच्छा नवगीत और गीत में अंतर क्या है आपका सवाल, गीत क्या है कि पारंपरिक विषय श्रृंगार वीर हास्य करुणा इन इस तरह के भावों को लेकर पारंपरिक विषय वस्तु को उसको चित्रित करना वो गीत में आता है। नवगीत में नवता है, नवता माने तकनीकी की नवता है, जीवन की नवता है, भाषा की नवता है, जीवन के संदर्भों की नवता है। तो वो जो नवता है वो जब तक नवगीत में नहीं आती है, माने वो व्यंग्य है, आक्रोश है, और उस रूप में भी प्रकट होता है, हमारी वैज्ञानिकता के साथ प्रकट होता है, तो वो नवगीत बन जाता है। तो गीत नवगीत भी एक तरह का गीत ही है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, उसकी वो मतलब नए सामाजिक संदर्भों से जुड़ करके, जैसे रमाशंकर वर्मा गीत लिख रहे हैं, नवगीत लिख रहे हैं, जगदीश पीयूष, सुशील सिद्धार्थ और मैंने उस समय लिखा, और अभी भी लोग बहुत सारे, प्रदीप शुक्ल के बहुत अच्छे नवगीत हैं आप देखें अवधि में। तो जो मैं इन सब की बात जिनका कर रहा हूँ, सब अवधि में नवगीत लिखने वाले लोग और बड़े अच्छे ढंग से, अभी कल भी शायद हम कल या परसों सुन रहे थे प्रदीप शुक्ल जी को, इनका खरखंचा में एक शैलेंद्र शुक्ल हैं, तो वो पद शैली में लिख रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे नवगीत लिख रहे हैं। हुआ ये है कि हम चीज़ों को गड्ढमड्ढ करने, और अभी आलोचना का और विस्तार होगा, शुद्ध छात्र आएंगे, पढ़ेंगे अपने हिसाब से उन चीज़ों को, अलग अलग करेंगे, लेकिन तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, लोकगीत अलग है, गीत अलग है और नवगीत। तो संक्षेप में तो यही कहा जा सकता है, बाकी जितना जो पढ़ेंगे अपने हिसाब से देखें। अगर इसको आप एक उदाहरण से समझाएं, जैसे आपने लोकगीत को समझाया, ऐसे गीत और नवगीत का एक उदाहरण, या इस बहाने दर्शकों को कुछ सुनने को भी मिल जाएगा जी। तो वो भी कर दी, अब मैं असल में तुरंत तो मैं बता रहा हूँ आपको कि गीत जैसे ठनक ठिठुक ठिठुकी कठपुतली वाला जो उनका गीत है परीश जी का, तो या सुनहरी वो जो है बिटौनी गीत है, कविता लंबी कविता है गीत के रूप में, तो वहाँ पर है तो पारंपरिकता, लेकिन वहाँ अलग से एक चमक भी है। नवगीत में क्या है कि अब जैसे मैं अपना याद आ रहा, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा कि ललचाई आँखिन से बेटवा देखे गुड़ की पारी, ऊपर ते मिठ बोलना बनिया टेंटे धरे दुधारी, या कि इस तरह का और हो सकता है, मुझे जो इस समय याद नहीं आ रहेगी, मैंने खाकी वर्दी पहरे देखो यू सरकारी घड़ा आवा, तो ये संकेत मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो नई इस तरह का, मैंने पुलिस वाला जब आता है गांव में तो उसको देख करके कैसी दहशत बन जाती है। गीतों में इस तरह के प्रयोग पहले के जो अवधि के जो कवि रहे हैं उनके सामने इस तरह के प्रयोग कम मिलते हैं जी। तो ये जो नवता है किसी न किसी रूप में निकल करके आ रही है। बागन बागन कहे चिड़ैया उनका है, सुशील भाई का है, और इनका जगदीश पीयूष का के कई गीत हैं। मैंने अब उदाहरण आप मुझे ध्यान नहीं था क्या पूछेंगी, तो थोड़ा संकट की स्थिति, लेकिन ये है कि गीत और नवगीत में हमें फर्क तो करना ही चाहिए, और वो प्रगतिशीलता की जो दृष्टि है अगर वो आपके पास है तो आप उसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, विद्यार्थियों को शोधार्थियों को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ मैं बता पाया हूँ, समझा पाया। नहीं नहीं, बहुत मुझे लगता है कि आपने जो बताया है वो संकेत रूप में ही है, लेकिन उदाहरण जो थे वो काफी स्पष्ट हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको ये चीजें समझ में आएंगी और आगे उससे काफी कुछ ग्रहण भी करेंगे। तो समय के हिसाब से आपसे आपका हमने काफी समय भी लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी बातों से एक आश्वस्ति मिलती है कि अवधि के, चाहे वो गद्य का क्षेत्र हो या पद्य का क्षेत्र हो, विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं और लोग काफी कुछ कर रहे हैं, और चाहे वो सोशल मीडिया हो या पत्र और ये सब चीजें हैं, और रिटेन में और किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अवधि का जो आने वाला भविष्य वो काफी
अच्छा और उज्जवल रहेगा। जी बस वही है कि कोई अकादमी या कोई संस्था बन जाए इसके लिए, तो प्रयास, इसके लिए प्रयास सब लोग करें, बस मुझे लगता है बहुत बहुत कुछ। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो एक बहुत बड़ा बल मिल जाएगा, एक मंच मिल जाएगा। हाँ, मंच मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बातचीत हो गई, एक अनौपचारिक रूप से ही बातचीत हुई लेकिन काफी अच्छी बातचीत मेरे हिसाब से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का, जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रतिक्रिया देंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमारी जो संक्षिप्त बातचीत है आप उसको सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और अपने जो आपके विचार या सुझाव हो वो भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।